जैन धर्म प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म के अनुयायी अपने जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाने के लिए जगह जगह मंदिरों का निर्माण करते हैं। इसी उद्देश्य से कोलकाता महानगर के टेघड़िया में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये स्थल कोलकाता एयरपोर्ट से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। मंदिर ना होने से एयरपोर्ट के आसपास के निवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए सुमति दिगंबर जैन ट्रस्ट द्वारा एक भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। यह मंदिर काफी आकर्षक रूप में बनकर सामने आएगा। मंदिर निर्माण तक यहां पर एक चैत्यालय निर्मित किया गया है, जिसके लिए दिनांक 29 जून को एक विशाल घट यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। तत्पश्चात वेदी पर भगवान को विराजित किया गया। मूल नायक भगवान सुमतिनाथ, आदिनाथ और भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा को इस वेदी पर स्थापित की गई। आज इस इलाके के लोग भगवान का अभिषेक और पूजन कर खुद को गौरवान्वित समझ रहे हैं। यहाँ पर तेगड़िया में कोई मंदिर नहीं था। देव दर्शन के लिए बहुत सोचना पड़ता था। हम लोग को काकुरगाची मंदिर में देव दर्शन करने जाना पड़ता था। हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे तेगड़िया में 3 लोग के नाथ आए हैं। ये इस स्थल का पुण्योदय है कि यहाँ केवल एयरपोर्ट के आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि संपूर्ण कोलकाता महानगर एवं हावड़ा के लोग नित नियम से यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे यहाँ पे एरिया में मंदिर नहीं था। हम लोग इन्हें 10-15 साल से भावना बाहर रहते और उस भावना का नतीजा हम लोगों को भगवान ने बहुत सुंदर दिया। जोर शोर से इसमें भक्तामर विधान की बहुत आराधना हो रही हो और सब कोई इसमें जुड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं, देश विदेश में इसकी चर्चा हो रही हो। इस पवित्र स्थल से कुछ ही कदम दूर पूजनीय गरणी 105 श्री विशा श्री माता जी अपने सहसंग के साथ चातुर्मास हेतु पधारी हुई हैं। भक्तामर की महिमा को जन जन तक पहुंचाने के लिए माता जी के सानिध्य में 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान का आयोजन किया गया है। यहां पर 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल का अनुष्ठान बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य श्रमणी गणी आर्य 105 श्री विशाश्री माता जी के ससंग सानिध्य में चल रहा है। जो लोग शेष रहेंगे वो इसमें सम्मिलित हों। इस अनुष्ठान की भक्तांबर की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। भक्तांबर अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। हमारी वहाँ जिंदगी की टीम जब वहाँ पहुँची तो उस दौरान भक्तों का उत्साह देखने लायक था। वहाँ जिंदगी के जो टीम आई है यहाँ पे बेस्ट कार्यक्रम को छोड़ते हुए, वहाँ जिंदगी के लक्ष्मी ललित सलाओगी जो कि मेरा छोटा भाई है, मैंने उसको कहा, उसने मेरी बात रख के अपने टीम को भेजा, उसको मेरा आशीर्वाद। लोगों की भावना को देखते हुए ट्रस्टी लोगों ने ये विचार किया कि यहाँ पे मेन तेगड़िया मेन रोड पे वीआईपी रोड पे यहाँ पे मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। उनकी कल्पना पूरी हो रही है। उन्होंने श्री सुमतिनाथ दिगंबर जिन चैत्यालय की स्थापना की। सब कुछ बहुत आनंद संपन्न हुआ है, चल रहा है और आशा करते हैं आगे भी इस तरह से ही चलता रहेगा। सभी बड़ा आनंद और उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। यह विधान अपने आप में ही अलौकिक है। दिन प्रतिदिन भक्तों का तांता इस विधान में देखने को मिलता है। माता श्री के मुख से निकलने वाला एक एक शब्द भक्तों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहा है। आधा रास्ता तय कर लिया हमने युद्ध करते करते कर्मों से, अब आधा रास्ता ही शेष रह गया है। इस आधे रास्ते को तय करने में अनंत भव बीत गए। कई परिवार इस विधान में हिस्सा लेकर अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। हमारे आसपास कोई भी जिनालय नहीं था, हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। ये जिनालय होने से हमें इतना आनंद मिल रहा है। हम लोग सुबह शाम भक्ति भाव में एकदम रमे हुए हैं। शायद यही कारण है
कि भक्तों का उत्साह और भक्ति देखकर इस विधान को 10 सितंबर तक आगे बढ़ाया गया है। भगवान की महिमा देखिए, यहाँ पे विधान होने हो ही गया था, लेकिन हम लोगों की इतनी असीम इच्छा थी कि हम लोग ये विधान कराए, और हम लोगों के लिए विधान आगे किसका, यही बोलते हैं, इसी को महिमा बोलते हैं। भरी भव्यता पूर्वक ये विधान सानंद संपन्न हो रहा है। कम से कम 250 से 300 परिवार अभी तक इसमें हिस्सा लिए हैं, और रोज़ाना लगभग 100-125 लोग बैठते हैं। संडे को 200-250 लोगों की भीड़ रहती है यहाँ पर, तो सभी खूब उत्साह और आनंद पूर्वक इस विधान में अपना योगदान देकर इस विधान को संपन्न बना रहे हैं। महिलाएं भी इस विधान में शामिल होकर खुद को सौभाग्यशाली मान रही हैं। कई महिलाओं तो इस विधान का बखान करती दिखी, उनके भाव से उनकी खुशी साफ साफ झलक रही थी। हम सभी का अहोभाग्य है कि भव्य सुमतिनाथ जिन जतालय में हम सभी धर्म लाभ ले रहे हैं। हमारे यहाँ टेगरिया में कोई मंदिर नहीं था, और हमारे यहाँ चैताले की वैधि स्थापना अभी हुई है, और हम लोग को देव शास्त्र और गुरु तीनों का सानिध्य एक ही साथ प्राप्त हुआ है। हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। विधान के दौरान रोजाना महाआरती समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न होते रहते हैं। टेगरिया में निर्मित होने वाले भव्य मंदिर की शुरुआत हो चुकी है, जिसका पहला शुभ कार्य हुआ यहाँ पर एक चैत्यालय को स्थापित करना, साथ ही 48 दिनों के विधान को पूर्ण करना। मैंने बहुत सारे विधान किए हैं, पर ये विधान बहुत स्मरणीय रहेगा, क्योंकि माँ के सानिध्य में हो रहा है और काफ़ी भव्य रूप से हो रहा है। यहाँ के आसपास के सभी लोग आ रहे हैं, प्लस जो भी हावड़ा के या ककुड़गाछी के सभी जितने भी उनका ग्रुप है, वो भी यहाँ आकर के हमें काफ़ी हमारा इच्छा उत्साह बढ़ा रहे हैं। भक्तामर महामंदिर विधान हो रहा है, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ सुमतिनाथ भगवान का जिनालय बनना है। इस एरिया में मंदिर आया है, इसकी बहुत बड़ी खुशी है, और साथ में माता जी भी आई हैं। भक्तामर विधान हो रहा है, उसका सोने पे सुहागे जैसा काम हो रहा है। वाह जिंदगी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसमें हमारा सहयोग दिया है। हमारा सपना साकार हो गया कि हम पलाश 25 साल से यहाँ पर, और यहाँ चैताले विराजमान हो गया, यह बहुत अच्छी, और साथ में माता जी का सानिध्य हमें मिला, देव सास गुरु तीनों का सानिध्य मिल गया। इस विधान के समापन के दिन एक वृहद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। 10 तारीख को ये भव्य 48 मांडला मन के भव्य कार्यक्रम होगा, और 48 मांडला में आहुति होगी, और भक्तामर विधान के लिए सब कोई का बहुत बहुत अनुमोदना करते। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु चैत्यालय के स्थापित होने के दिन से शुद्ध और स्वादिष्ट अल्पाहार और भोजन की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की भोजन की व्यवस्था इतने अच्छे ढंग से संचालित की जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। कोलकाता महानगर से रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग कोलकाता शहर से बाहर जाते हैं या फिर कोलकाता आते हैं। वीआईपी रोड के मुख्य स्थल पर और एयरपोर्ट के समीप इस चैत्यालय के स्थापित होने से कोलकाता से बाहर आने और जाने वाले अनेक यात्रियों को भगवान के दर्शन का भी लाभ मिलेगा। वाकई ये स्थल इतना चमत्कारी है कि जिसने भी एक बार यहाँ आकर भगवान के दर्शन किए, वो बार बार यहाँ आकर दर्शन करता है। आपने इस चैत्यालय पहुंचकर भगवान के दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए, सह परिवार मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।